दूसरी चीज थी कुछ बोट्स और कुछ व्हीकल्स कस्टम एक्ट के तहत पकड़े गए। इस में ग्वादर था, इस कमरे में यहाँ लोग बैठे, मीटिंग हुई। अभी कस्टम एक्ट को और उसके तहत जो केस होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे दार अख्तियार से ऊपर। तीसरी बात थी उनके बॉर्डर के हवाले से कि बॉर्डर को आप लोग एफसी से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे। इतना बड़ा बॉर्डर, इतनी बड़ी चीज़ें, इसको हम कर रहे हैं। ये होनी भी चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन ये एक रात में नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। हमने पहले दिन से ही एक्शन लिया है। आप उनकी तकारीर सुने, वो खुद कह रहे हैं कि उसमें कमी आई है। इसमें वो एक बहुत बड़ा मसला था, वो एक रात, वो एक माफिया होता है, जिस जैसे यहाँ एक करप्शन का भी माफिया होता है, उसको आप एक रात में कंट्रोल कर सकते हैं। डीजी ऑफिस हमने वहाँ शिफ्ट किए, डीजी वहाँ बैठे हुए हैं, और उनसे खुद आप अभी सवाल करके पूछ लें फिशरमैन से कि इसमें कमी आई है कि नहीं। इसका वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है, इसका वज़ीर आला ने भी बहुत पहले नोटिस लिया था। मेरे पास एक डिमांड लिस्ट है, एक डिमांड लिस्ट है, वो डिमांड लिस्ट मैं आप लोग के सामने रखूँगा। उसमें 19 डिमांड हैं, जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुई है। तीन डिमांड रहते हैं, एक डिमांड उनकी थी ट्रॉलिंग के हवाले से। उसमें भी उन्होंने कहा, मैं खुद उनके साथ बैठा मौलाना साहब के साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल कमी आई है, कम हुआ है, लेकिन मैं अगर उठूँगा ये फिर बढ़ेगा। मैंने कहा अभी इस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ।